नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। तो GTA 4 के लास्ट वाले एपिसोड में मैं गया हुआ था रोमन के ऑफिस में, और रोमन के ऑफिस में जाने के बाद उसने हमें दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, मैलोरी से और उसके अपने खुद के बॉस से। उसके बाद जो है हम रोमन के साथ चले गए थे खाड़ीवर की शॉप में कुछ लेने के लिए, क्योंकि रोमन को वहां से कुछ शवन वगैरह लेना था। और वहां पर जाने के बाद हम जैसे ही वहां से हम निकलते हैं तो वहां पर रोमन के पीछे तो गुंडे पड़ जाते हैं। उसके बाद हम जैसे तैसे करके रोमन को जो है ड्रॉप कर देते हैं और वो जो टास्क है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद यहां पर मैं फिर से रोमन के घर में आ गया था। रोमन का घर तो आप सभी को पता ही है, लाइक पहले जैसा ही, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए नहीं है। तो यहां पर अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, और आज जो है हमें फिर से जाना है यहां पे रोमन के पास, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उसे ड्रॉप करने आए हुए थे तो उसने हमें बोला हुआ था कि वो जो है हमारे ऑफिस में फिर से आ जाए। तो आज जो है वहीं पर चलना है। तो ये वाली आगे की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये गाड़ी पता नहीं हमेशा मुझे यहाँ पर मिल जाती है, लास्ट वाले एपिसोड में भी जो गाड़ी है मुझे यहाँ मिल गई थी, अब पुलिस वाले तो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इस गाड़ी को तो जो है मैं कांच तो मैंने तोड़ लिया, और इसको जो है मैं लेकर चलता हूँ फटाफट से, एक बार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट भी हो गई है, और इस गाड़ी को यहाँ पर लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे रोमन के पास। और रोमन का जो ऑफिस है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। और हाँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी जो है इस गेम के आपके जो ग्राफिक्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। लाइक लास्ट वाले एपिसोड में जो ग्राफिक्स थे ना वो थोड़े से डल थे, बट अभी जो है मैंने ग्राफिक्स में काफ़ी सारे जो चेंजेस वगैरह हैं वो यहाँ पर किए हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर मुझे जो है इसमें और भी ज़्यादा ग्राफिकल जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं रोमन के ऑफिस में। अरे यार डार्डन, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब तुम्हें है। अरे यार ऐसा मत करो तुम लोग। अब कहाँ है तुम्हारा वो रशियन दोस्त? हाँ अरे यार वो मेरा दोस्त नहीं है, मैंने तो उससे पैसे लिए हैं। ये सब रोक दो। कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। ओ नहीं, मेरा हाथ। बता तुम्हारे साथ क्या किया जाए। बचाओ मुझे। निकल यहाँ से बच्चू। लीडर मेरी मदद करो। निकलो यहाँ से तुम दोनों, अगर यहाँ फिर से वापस आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए ना? तुम लोग अपना चाकू ले जाना भूल गए, आलू के परांठों। शिट, नीको तुम्हें क्या हो गया था? वो मुझे चाकू मारने वाला था। नहीं, वो तुम्हारी जान लेने वाला था। छोड़ो उसको। अरे यार देखो इस डेस्कटॉप को, फिर से टूट गया, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जानना था कि मैं किसी अच्छे घर और किसी अच्छी लड़की के साथ क्यों नहीं रहता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हर बार होता है। चुप रहो तुम। ओ बढ़िया, मैलोरी का फोन है। हेलो मैलोरी, क्या? अच्छा ठीक है। सुनो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है ऑफिस में, तो मैं तो नहीं आ सकता पर नीको आ सकता है। क्या, कहाँ जाना है मुझे? तो फिर तुमने मुझे क्यों फोन किया? हाँ तो चलो बाद में मिलते हैं। अच्छी लड़की है यार। तो क्या तुम मैलोरी को कार में कहीं से पिक कर सकते हो? तुम उसे सबवे स्टेशन से पिक कर सकते हो। हाँ। और मेरी फरारी लेके जाओ, उसके साथ एक दोस्त भी है, और बाद में उसकी फ्रेंड को डेट पर ले जाना। देखो मेरे कंप्यूटर का क्या हाल हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो रोमन है इसके पास पता नहीं शायद से वही गुंडे वुंडे आए होंगे, जैसे कि आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था। तो शायद से मेरे हिसाब से ये वही वाले गुंडे थे, और यहाँ पर ये जो रोमन को काफी ज्यादा परेशान किया, बट यहाँ पे हमने जो है उनको फिलहाल के लिए तो भगा दिया है, अगली बार आ जाए तो कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पे जो है रोमन के पास मैलोरी का फोन आ गया था, यानी कि रोमन की जो कलीग जो कि रोमन के साथ यहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करती है। तो अभी जो है हमें यहाँ पे उसे लिफ्ट करने के लिए जाना है, यानी कि पिकअप करने के लिए जाना है। तो यहाँ पे पुलिस वाली गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ से आराम से निकलना पड़ेगा, भाई ठोक के तो मैं जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें जो है मैलोरी के पास जाना है, और जो मैलोरी है उसके साथ पता नहीं उसकी कोई फ्रेंड भी है। अब उसकी फ्रेंड का तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज तक मैलोरी की फ्रेंड से तो मैं ज़्यादा मिला नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैलोरी से भी आज तक मैं कहाँ मिला हूँ इतना ज़्यादा। तो आज जो है मैलोरी को यहाँ पे पिकअप कर लेंगे, और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है ना उससे भी यहाँ पे मिल लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ से अभी मुझे लेना है एक और राइट टर्न, और मेरे हिसाब से सामने की तरफ ही जो मैलोरी है वो यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सामने की तरफ ये जो मैलोरी है ना ये जो है यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ पर मैं हॉर्न बजा देता हूँ। ठीक है, आओ अंदर बैठो बिल्लियों। हेलो निको, आने के लिए थैंक्स, मुझे पता था कि रोमन नहीं आएगा, इससे मिलो, ये मिशेल है। हेलो कैसे हो तुम? मेरा घर मोहॉक एवेन्यू में है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रेंड है ना इसका नाम मिशेल है, और मिशेल भी इसके अंदर बैठी हुई है, और यहाँ पर जो मैलोरी है ना ये भी यहाँ पर बैठी हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैलोरी है ना यहाँ पर क्या कर रही है, मतलब मैलोरी हमारे बगल में क्यों नहीं बैठी यार, इसने अपने फ्रेंड को क्यों बैठा दिया।
लाइक मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बगल में बैठी है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, तो मैं शांति से यहाँ पे चुपचाप जो अपनी गाड़ी है ये यहाँ पर चलाता, मैं देख के नहीं चलाता क्या उल्लू, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम चल लेते हैं एक और राइट टर्न में, अभी जो है अपनी गाड़ी जो है हम ठीक मतलब ठोक भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी अगर ठोक दी तो जो इम्प्रेशन है वो ज्यादा ठीक ठाक नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से इसका जो घर है ना, मतलब ये जो मिशेल है ना, इसको अभी हमें इसके घर पे छोड़ना है, और मैलोरी को भी वहीं पर छोड़ना है। अब पता नहीं इसका जो घर है वो कहाँ पर है, यहाँ से तो सीधा सीधा दिखा रहा है जैसे कि आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से अभी हमें एक टर्न ले लेना है, छोटू सा टर्न लेंगे यहाँ से, और यहाँ से फिर से सीधे सीधे चल लेना है। यहाँ पुलिस का बड़ा खतरा रहता है, अगर पुलिस पड़ गई ना पीछे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है पॉइंट, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू निको। हाँ सच में, और मुझे कभी कॉल जरूर करना। ठीक है मिशेल, तो बाद में मिलते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर इन दोनों को तो अपने ड्रॉप कर दिया फटाफट से, अभी यहाँ पे जो रोमन है उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। रोमन, उन दोनों बिल्लियों को तो ड्रॉप कर दिया है, और मिशेल ने मुझे उसका नंबर दिया है, और उसे मेरे इतने सुंदर कपड़े पसंद नहीं आए। मुझे एक अच्छी जगह पता है, वो मोहक में है, जाओ और कपड़े खरीदो, सस्ते और टिकाऊ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रोमन है उससे बात हो चुकी है, और यहाँ पर शायद से ये जो मिशेल है ना, इसको हमारे कपड़े पसंद नहीं आए, क्योंकि हमारे कपड़े भी लाइक ओल्ड फैशन है, सस्ते और टिकाऊ। क्योंकि लाइक जब हम शिप से आए हुए थे ना, शिप से आने के बाद तो हमने कई कपड़े चेंज ही नहीं किए, और रोमन के घर पे तो कोई ढंग के कपड़े बचते ही नहीं, आपको तो पता ही होगा उसका घर ही ऐसा है सुंदर काफ़ी ज़्यादा, तो उसके घर के अंदर जो कपड़े हैं वो कहाँ से मिलेंगे। लाइक एक आध वार्डरोब भी नहीं है यार उस रोमन के घर पे। तो अभी हम जो है चल लेते हैं कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि अगर हम जब नेक्स्ट टाइम इससे मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब इससे मिलने जाएंगे तो सेम कपड़े पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ये गाड़ी वाला ना, ठीक। अरे नहीं 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 ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ से अभी हमें सीधे सीधे चल लेना है, क्योंकि जो मैप है उसमें दिखा रहा है कि जो कपड़े की शॉप है ना वो यहीं कहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये वाली शॉप लग रही है, ऑल राइट यही है क्या? इसका नाम भी कैसा उल्टा लिखा हुआ है भाई, उल्टा नाम कौन लिखता है यहाँ पे? मैन एंड वुमेन अप्रैल इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया, अच्छा रशियन कपड़े हैं। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं अंदर चल के, ठीक है। तो इस दुकान में काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं, लाइक मेंस वियर भी हैं और कुछ पैंट्स बोनेजा, लाइक ऑफर वॉफर चल रहा है मुझे लग रहा है, $2 for $99, और हमारे पास लाइक $55 ही बचे हुए हैं। तो अभी हमें क्या परचेस करना चाहिए? जैकेट तो लाइक ये भी एक जैकेट ही है, तो जैकेट को लेने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ जीन्स वगैरह खरीदेंगे। तो हमारे पास अभी ये वाला जो जीन्स तो है, तो मुझे लाइक ब्लू वाला जीन्स एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, शायद से ये मेरे ऊपर थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ, ये लाइक $24 का है, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बट मैं जो है इसको प्रेस भी नहीं करना चाहता, लाइक बाय नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ढंग के नहीं लग रहे। तो मेरे हिसाब से ये वाले पैंट ट्राई करने चाहिए क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैंट है कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं, और यहाँ पे $24 के हैं, यानी कि उससे तो कम से कम सस्ते ही हैं। तो यहाँ पर इन पैंट्स को जो है अभी हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पैंट है वो तो यहाँ पे बाय कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ और मिल जाता लाइक जूते वूते, एक बार बूट्स जो है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये वाले जो बूट्स हैं कुछ ज़्यादा ठीक तो नहीं लग रहे, ये वाले भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं, ये कुछ तो बकवास है भाई, कुछ अच्छा कपड़े ही मतलब जूते वूते भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो इसको तो है हम जूते वगैरह जो है परचेस नहीं करने वाले, एक जैकेट वगैरह मिल जाए या फिर कुछ शर्ट वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सामने की तरफ तो जैकेट्स पड़ी, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर ये वाली जैकेट्स को एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, क्योंकि इनका जो अरे भाई क्या है भाई, कद्दू वद्दू हूँ क्या मैं? चल नहीं खरीदना मुझे जैकेट, ये जैकेट मेरे हिसाब से बढ़िया है, एक बार पिंक वाली और ट्राई करके देख लेता हूँ, ये लाइक मुझे बल्लास गैंग की याद दिलाती है ये वाली जैकेट पहन के, ठीक है। तो ये भी कुछ बकवास यार, मैं तो अंकल जी लग रहा हूँ इसमें 60 साल का, तो ये भी नहीं परचेस करने वाला मैं, इतना काफ़ी है। ये क्या चीज़ पड़ी है भाई यहाँ पे, कैप है क्या एक काम? अरे भाई कोई महाराजा हूँ क्या मैं? हट बकवास, नहीं चाहिए मुझे, मार्ट में जा। चलो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। ग्लासेस भी है क्या? एक सेकेंड ग्लासेस को ट्राई, हाँ ये कुछ, अरे यार ये तो वैसे ही लग रहे हैं मैलोरी जैसे, कुछ ज़्यादा ढंग के लग भी नहीं रहे। और ये वाले ग्लास अगर ट्राई करके देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और कोई ग्लास ट्राई किया जाएगा, ठीक है। ये वाला एक बार जो ग्लासेस हैं ये ट्राई करके देखते हैं, ये तो पुराने जैसे ही है, लड़कियों जैसे है। एक काम करता हूँ, पुराने वाले जो ग्लास थे ना इनको यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लग रहे थे नीको के ऊपर, ये वाले थे ना, हाँ ये वाले ग्लासेस जो है ठीक लग रहे थे। इसको जो है हम बाय कर लेते हैं, बाय करना तो था यार, इसने दिया क्यों नहीं मुझे? एक और बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है यही वाले थे मेरे हिसाब से, तो
ठीक है तो इसको जो है अभी बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर $12 के दिए इसने मुझे। पैंट भी सही लग रहा है, जैकेट थोड़ी सी डार्क डार्क हो गई है, कुछ लाइट कलर की मिल जाती ना तो ज़्यादा बेटर होता, बट लाइट कलर की तो यहाँ पर मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। तो एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर की वहाँ पड़ी है, ब्लैक कलर की वो ट्राई करके देख लेता हूँ, या फिर ये क्रीम कलर की ना, ये वाली भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ग्रे कलर की मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लग रही है अभी। ऑल राइट, तो इसको जो है मैं परचेस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। चलो अभी जो है हो गया है सब कुछ, ब्लू ये भी हो गया है, डार्क के ऊपर लाइट, अभी चलता हूँ मैं बाहर की तरफ। ऑल राइट, तो ये जो कपड़े हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, अगर आपको भी पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार रोमन से बात कर लेते हैं। हे रोमन, मैंने कपड़े ले लिए हैं, लेकिन ये कपड़े सस्ते ब्रांड के लगते हैं, बट सुंदर और टिकाऊ हैं। हमें जो मिलता है वो ले लेना चाहिए, जब ज्यादा पैसे आएंगे तब और खरीद लेना। अब तुम्हें मिशेल मिल गई है, वो एक होशियार बिल्ली है, तो संभल कर डेट पर जाना। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने जो रोमन है उससे बात कर ली है, तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैठ कर कहीं पर चल लेते हैं। एक सेकेंड, ये मेरा घर तो मेरे स्टोर के पास ही में है, तो मैं फालतू में इतना क्यों घूमा यार। अच्छा मैं ना वहाँ से आ रहा था रोमन की साइड से, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर लगने लगा, क्योंकि मेरा घर तो यहीं पर था एकदम पास ही में, और यहाँ पर सामने की तरफ से एक और नई गाड़ी आ गई है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर रोमन का हमारे पास कोई मैसेज वगैरह भी आया है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ के पढ़ लेगा, नहीं बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो GTA 4 की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे नीको के लुक के बारे में बताइएगा कि जो नीको का नया लुक है वो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको मिलता हूँ GTA 4 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।